हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आज मेरी सुबह सुबह चाय पक रही है, चाय उबलने दिया है। अब मैं मटर पनीर और आलू कैप्सिकम ये सब डाल के बनाऊँगी। फ्रोजन मटर है ये और अमूल का पनीर है, क्यूट नहीं आता है पर बहुत टेस्टी है। तो आप सब कैसे हैं? और आप सबका पूजा का समय है अभी दुर्गा पूजा का, तो आप सबका कैसे बीत रहा है? आप सब प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ और आशा करते हैं आप सब अच्छे से ही होंगे। तो आज का मॉर्निंग रूटीन जो है तो सब्जी बना रही हूँ अभी मैं, और साथ में खाना भी आज बना लूँगी। मुझे थोड़ी सी सिलाई भी करनी है, मशीन में बैठनी है और मैं पार्लर की काम करती हूँ तो थोड़ा बहुत कस्टमर आएंगे। आज मॉर्निंग में सुबह सुबह कस्टमर आ गए थे, मैं नींद से उठी थी, नहाने गई और आ गए दो कस्टमर, तो उनको हेयर वगैरह कटिंग किया, थ्रेडिंग किया, तो फिर चले गए। फिर मैं नाश्ता के लिए आज थोड़ा देर भी हो गई थी तो सोचा आज बना ले परोठा और पनीर आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, हरी मटर कैप्सिकम डाल के। तो वही शेयर कर रही हूँ आपका साथ में, आशा करते हैं आप सबको अच्छे लगेंगे। और खाना मैंने बना लिया है तो उसमें मैंने फूलगोभी के साथ में मच्छी बनाई है और एक मिक्स सब्ज़ी बनाई है और एक टमाटर की सलाद बनाई है। तो ये दोस्तों तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने जीरा डाला है। मेरे वीडियो अगर आप सबको अच्छे लगे तो ये दोस्तों कमेंट कीजिएगा और शेयर एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगे, आगे बढ़ने में मेरे को मदद मिलेगी। तो प्याज मैंने डाल दिया है, जब जीरा चटकने लगे तभी आप जीरा मतलब प्याज डालिए। प्याज को भी थोड़ा सा ब्राउन शेड में आना है, फ्राई करना है, नहीं तो कच्चे कच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। आप साथ में आप आलू भी दे सकते हैं, फिर हाफ प्याज जब मतलब फ्राई हो जाए उसके बाद आप आलू डाल के फिर फ्राई कर सकते हैं, तो आलू के साथ साथ में प्याज भी फ्राई हो जाएगी बाद में जितनी बाकी रहती है। मैं सुबह सुबह खाना वाना बना लेती हूँ क्योंकि बहुत काम रहते हैं, कस्टमर भी मेरे आते रहते हैं, तो इसका वजह से पार्लर में फिर बैठना, फिर एक बार खाना पकाने जाऊंगी तो फिर कभी किसी का थ्रेडिंग कर रही हूँ, कभी टेलरिंग कर रही हूँ, तो मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने आलू अभी डाल दे क्योंकि हाफ प्याज मेरी फ्राई हो चुकी है, तो आलू कच्चा है। आप फ्रोजन मटर के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कैप्सिकम के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, तो आलू को थोड़ा भूनना ज़रूरी है, तो मैं प्याज के साथ भून लूँगी। तो आप मैं कैप्सिकम को भी डाल देती हूँ, मैं आपको प्रोसेस से पूरा बता रही हूँ ताकि आप बना सकें। सबको आते हैं, ये बात नहीं कि मैं नई सिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था तो मुझे बहुत दिल था कि मैं कुछ भी रेसिपी पकाऊँ तो मैं कुछ कुछ मैं शेयर करूँ। तो ये बहुत अच्छा जो है मेरे लिए है कि यूट्यूब में आप डाल सकते हैं वीडियो वगैरह, तो जब मुझे पता चला तो मैंने ये मेरा एक साल हो जाएगा क्योंकि मैंने लक्ष्मी पूजा के दिन में मैंने किया था, तो अभी मैं लक्ष्मी पूजा बस दो चार कुछ एक हफ्ते बाद ही है, तो मेरा एक साल पूरा होने वाला है अभी। आप सबका प्यार भी मिला है, कमेंट्स भी कुछ कुछ अच्छे मिले हैं, कुछ कुछ मुझे फ़ोन भी करते हैं, तो अच्छा लगा मुझे। अभी थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी चीर के, थोड़ा चीर के देने से अच्छा होता है, उसमें जो तीखापन है बाहर आ जाता है और कुछ बहुत सुंदर फ्लेवर भी निकलते हैं हरी मिर्च की। अब मैं हल्दी डालूंगी, एक चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाली है। अब मैं एक चम्मच और थोड़ी सी मैं नमक डालूंगी।
अब मैं जीरा पाउडर डालूंगी एक चम्मच, और रेड जो चिली है पाउडर है वो डाल रही हूँ एक चम्मच और थोड़ी सी। मुझे हम लोगों को थोड़ा सा तीखा पसंद है, और ये धनिया पाउडर है। तो तीखा खाने से अच्छा लगता है, सुबह रोटी वगैरह के साथ परोठा खाइए, पूरी खाइए, जो भी खाइए। सब्जी अगर चटकदार होता है तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये मसाला पिसा हुआ मेरा कल का ही था फ्रिज में, इसमें थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लहसुन और थोड़ी सी प्याज है, थोड़ी सी प्याज में और नहीं पीसी अभी मैं मच्छी के लिए, जो मच्छी बनाऊंगी तभी मैं पीसूंगी। तो पहले हस्बैंड ऑफिस में जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो हस्बैंड मेरे MCM है मास्टर क्राफ्ट में, तो कुछ ही साल और बाकी है रिटायरमेंट के। तो अभी मैंने टमाटर डाल दिया है, तो उनको खाने का बहुत शौक है, वो सुबह अच्छे से नाश्ता वगैरह करके घर से निकलते हैं, और फिर मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी, क्योंकि 10:30-11 बजे तक उनका फिर टिफिन मुझे पैक करके देना होता है। दोस्तों ये मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, कल थोड़ा अभी हरे मटर जो फ्रोजन मटर है वो मैं डाल रही हूँ, मैं लास्ट में डाल दूँ इसको, फिर बाद में पनीर डाल दूँगी, और एक साथ में मिला के बनाऊँ। तो मैं कल थोड़ा सा मार्केट गई थी पूजा के लिए, साड़ी तो ऑनलाइन मंगाई, आज शायद आ जाएगी मेरे, और बच्चों लोग ने सबको दिया है कपड़ा लगता, और थोड़ी सी मार्केटिंग में कल गई थी थोड़ा अपने ऐसे ज्वेलरी लेने के लिए, तो सब लेके आई हूँ। पूजा में मैं वीडियो करूँगी तो आप सबको दिखेगा क्या लाई हूँ। अभी थोड़ा आपको कवर कर करके ऐसा फ्राई करना है, फिर थोड़ा सा मैं पानी बाद में मिलाऊंगी, अभी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। टमाटर भी गल जाएंगे, अभी मैं जो फ्राई करके रखती हूँ हाफ फ्राई किया, आज मैंने पूरा फुल फ्राई नहीं किया पनीर, हाफ फ्राई किया। आप चाहे तो इसमें एक चुटकी चीनी भी डाल सकते हैं, हम लोग बंगाली में थोड़ी सी शुगर थोड़ा सा यूज़ करते हैं शक्कर, क्योंकि थोड़ी सी अच्छे लगते टेस्ट में, स्वाद में बढ़ जाता। तो मैं आज टमाटो केचप थोड़ा डाल रही हूँ, इसलिए मैं और अलग से मैं शुगर नहीं डालूँगी, अब फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो सब्ज़ी बेकार हो जाएगी। तो टमाटो केचप में जितना मिठास है उसमें काफ़ी है और नहीं चाहिए। आप इसमें चाहे तो सोया सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, तो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है। ये आप चावल कर सकते हैं, परोठा कर सकते हैं, पुलाव कर सकते हैं, आप कैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। पानी डाल दिया अभी मैं, ज़्यादा नहीं, 1.5 कटोरी जैसे पानी डाला है, जहाँ हमें थोड़ी सूखी सूखी बनानी है, थोड़ी सी हल्का ग्रेवी हो बस, परोठा का साथ में खाना है। मेरी अभी बन चुकी है, देखिए कलर बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी भी हुआ है। अब मैं परोठा बना लूँगी, नमक चेक कर रही हूँ ठीक है कि नहीं। अब मैं थोड़ी सी चिकन मसाला डालूँगी, गरम मसाला नहीं डालूँ क्योंकि हस्बैंड को तो पसंद नहीं है, इसलिए मैं चिकन पाउडर जो होता है चिकन मसाला वो मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी बची हुई थी। थोड़ी सी मैंने नमक डाली क्योंकि थोड़ी हल्की नमक कम हुई थी, तो बन गया हमारी सब्जी।
परोठा बना के हस्बैंड लोग को फिर दूंगी, फिर थोड़ा सा इधर घर का काम भी रहते हैं छोटा मोटा, पूजा भी देना है, तो ये सब में बस टाइम निकल ही जाता है पूरा दिन की। और थोड़ी बहुत जो टाइम मिलती है तो मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, थोड़ा एडिटिंग भी करती हूँ, उतना अच्छे से मुझे अभी तक आता नहीं है, लेकिन क्या करो, जितनी आती है मैं वैसे ही वीडियो बना के दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मैं सिंपल मोबाइल से मैं बना रही हूँ, और कुछ मैंने इसने किया ऐसे ही, मैं स्टैंड मंगाई हूँ फ्लिपकार्ट से, इसलिए आप सबको मैं ऊपर से मैं दिखा पा रही हूँ, नहीं तो मैं हाथ से ही मैं वीडियो करती हूँ मोबाइल लेके हाथ में। अभी धीरे धीरे करूँगी जब देखूँगी हाँ मेरे सब्सक्राइब बढ़ गए हैं, मेरे व्यूवर्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे सब कुछ खरीद लूँगी। आप सब के कमेंट्स आएंगे कि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर और अच्छी अच्छी वीडियो बनाना शुरू करूँगी। तो हस्बैंड अभी ऑफिस जाएंगे, तो हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता लगा रही हूँ। কত অত্যাচার করছে, তো মোবাইলে রেকর্ড হচ্ছে। मैं एक साथ में दो तीन करके परोठा भूनती हूँ, एक एक करके बहुत कम ही मैं भूनती हूँ, क्योंकि इस तरह तीन भूनने से अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग ऑयल भी कम लगता है और जलते भी नहीं है, इसलिए मैं एक साथ में दो तीन करके ही बनाती हूँ। चाय थोड़ी देर में दूंगी, तो ये हस्बैंड का नाश्ता है। तो दोस्तों अब मैं नाश्ता भी करूंगी और थोड़ी सी मशीन भी चलाऊंगी। हाँ ये मैं नाश्ता है, बहुत ही टेस्टी और यमी बनी थी। सबसे लास्ट मैंने नाश्ता किया, चाय और सब्जी और परोठा। आप सबको अच्छे लगेंगे वीडियो, और आप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। Bye. Morning. हाँ करना था एक्चुअली मुझे, अरे मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो यही तो प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि सारा दिन वक्त लगता है, तो देखते हुए पूजा का छुट्टी मिलेगा उसमें जा सकती हूँ क्या? मैं तुमको फोन करूंगी, ठीक है फिर से? ओके हाँ मैम।